आज हम बना रहे हैं हैदराबादी कुतुब शाही कोरमा। अब एक लगन में लेंगे हम देसी घी, और घी हम ले रहे हैं 125 ml। गरम करते हैं। अब हम घी में डालेंगे कटा हुआ स्लाइस प्याज, और ये हम डालेंगे 250 ग्राम। अच्छे से चला लेंगे, और प्याज को हमें लाल होने तक भूनना है। लाइट गोल्डन कलर आने तक हम प्याज को भूनेंगे। ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में चलाना नहीं भूलेंगे। और इसी बीच में हम बना लेंगे एक पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे 50 ग्राम गार्लिक की फलियां, 20 ग्राम अदरक के टुकड़े जिनको हमने काट लिया है, डालेंगे हरी मिर्च हाथ से तोड़ के, और ये हम ले रहे हैं 6 हरी मिर्च, और साथ में हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, ड्राई कोकोनट गड़ी, और ये हम ले रहे हैं 20 ग्राम। आप फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डेसिकेटेड कोकोनट वो भी ले सकते हैं। कटा हुआ प्याज हम ले रहे हैं 100 ग्राम, और मिलाते हैं पानी, थोड़ा पानी मिलाएंगे, ये काफ़ी होगा। लगाते हैं ढक्कन और बनाएंगे इसका एक फाइन पेस्ट। पेस्ट हमारा बनके तैयार है। अच्छे से प्याज को चलाएंगे, आप देख सकते हैं हल्का हल्का लाइट कलर आना चालू हो गया है, और सारे प्याज को हमें एक जैसा लाइट ब्राउन करना है। अब डाल देंगे 20 पीस बादाम, इसे भी साथ में भून लेते हैं। चलिए, और हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ब्राउन प्याज और बादाम को हम बाहर निकाल लेंगे। हम डालेंगे 2 दालचीनी, 1 जावित्री का फूल, 6 लौंग, हरी इलायची हाथ से खोल कर डालेंगे, और ये हम ले रहे हैं 4 पीस, और डालेंगे 1 छोटा चम्मच साजीरा का। मिलाते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और तुरंत हम मिला देंगे पेस्ट जो हमने बनाया है। अच्छे से चला लेते हैं। अब पानी डाल के पेस्ट को हम अच्छे से हिला के लगन में डाल देंगे, और अच्छे से अब भूनते हैं। हैदराबाद को रूल किया गया है कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा, और इस डिश का जो नाम है उन्हीं के ऊपर रखा गया है। पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है। अब हम मिलाएंगे चिकन, और चिकन हम ले रहे हैं 1 किलो। अच्छे से चला लेंगे। और मिलाते हैं स्वाद अनुसार नमक, ढक्कन को लगा देंगे, आंच को स्लो करेंगे या पकने देंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें डालते हैं ब्राउन बादाम जिसको जस्ट अभी हमने बनाया है, और यहाँ पे हम मिलाएंगे दही, और दही की सहायता से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो हम ले रहे हैं 5 चम्मच दही। चलिए पेस्ट बनाओ। चलिए ढक्कन खोलते हैं, और हमारा पेस्ट बनके तैयार है। आइए चिकन को देख लेते हैं। अच्छे से चला लेंगे। ब्राउन ऑनियन और बादाम का पेस्ट जिसे अभी हमने तैयार किया है, अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा हल्का पानी डाल के बचे हुए पेस्ट को भी मिला देते हैं। और कितना प्यारा अच्छा कलर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा और भूनेंगे हम। हैदराबादी खाना अपने मौसम के हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी होता है, चटकदार होता है, और ये एक परफेक्ट रेसिपी है उन लोगों के लिए जो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, और जिन्हें मिर्ची कम खानी है वो मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा यहाँ पे कम करें। और इस डिश में मिलाई जाती है किशमिश, और हमने लिया है 10 ग्राम। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और किशमिश डालने से हल्का सा जो स्पाइसीनेस है उसमें एक मिठास मिलेगा। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं गर्म पानी,
और चला लेते हैं और पानी हमने डाला है 350 ml, इतना काफ़ी होगा। लगाते हैं ढक्कन, आँच को करते हैं स्लो, पकने देते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसे स्लो आँच में पकाएंगे। ढक्कन हटाते हैं, हमारा मुर्ग कुतुब साहिब कोरमा बनके तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं, सर्व करते हैं मुर्ग कुतुब साहिब कोरमा, और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं नान रोटी पराठा के साथ। ऊपर से हम गार्निश करेंगे कटा हुआ हरा धनिया के साथ, और हमारा मुर्ग कुतुब शाही कोरमा बनके तैयार है। हैदराबादी कुतुब शाही मुर्ग कोरमा बनके तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सेफ अश्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।